हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल एंजॉय अ स्टोरी, सैली हेल्प्स हर मदर। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ स्क्वायरल हु हेल्प्स हर मदर। सो लेट्स सी हाउ सैली हेल्प्स हर मदर। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सैली स्क्वायरल डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग विद एनी ऑफ हर क्यूट टॉयज। सैली जो स्क्वायरल है, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी होती है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अपने किसी भी प्यारे प्यारे खिलौनों के साथ खेलना। शी वॉन्टेड टू गो एंड फीड द हंग्री डक्स विथ हर मदर। वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी अपनी माँ के साथ जाना और जो भूखे बतख हैं उनको खाना खिलाना। उसकी माँ भूखे बतखों को खाना खिलाने जा रही थी, तो सैली की भी इच्छा थी कि वो भी अपनी माँ के साथ जाए। मदर सेड, वी विल फीड द डक्स लेटर, बट फर्स्ट आई हैव सम अदर थिंग्स टू डू। उसकी माँ ने कहा कि हम जो है डक्स को बाद में खिलाएंगे, लेकिन पहले मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं करने के लिए, कुछ और काम है जो मुझे करना है। शी टोल्ड सैली दैट शी कुड हेल्प हर। उसकी माँ सैली को बोलती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। फर्स्ट दे वेंट टू द किचन एंड दे डिड सम कुकिंग। सबसे पहले वो किचन में गए और उन्होंने कुछ पकाया। सॉरी। देन सैली हेल्प्ड हर मदर टू स्वीप एंड स्वैप द फ्लोर। उसके बाद सैली ने अपनी माँ की मदद की किस काम में? स्वीप एंड स्वैप, जिसे बच्चों आप शुद्ध हिंदी में बोलते हैं झाड़ू और पोछा लगाना, वो। स्वीप मीन्स झाड़ू से सफाई करना और स्वैप मीन्स मॉप से पोछना, मीन्स झाड़ू और पोछा। तो सैली ने अपनी माँ की मदद की ज़मीन पे झाड़ू पोछा लगाने में। लेटर शी वेंट आउट इनटू द लवली गार्डन। उसके बाद वो बाहर गई बहुत ही खूबसूरत बगीचे में। While mother was busy plucking beautiful flowers for the vase, Sally was watering the flower beds with her own little watering can. तो जब उसकी माँ जो है वो बिजी थी फूलों को तोड़ने में अपने फ्लावर के गार्डन के लिए, सैली क्या कर रही थी? पौधों को पानी देने लग गई। फूलों के जो बेड्स मतलब होता है, जैसे फूलों की पूरी क्यारी, वो फूलों की क्यारी में पानी देने लग गई अपने छोटे से वाटरिंग कैन से। बच्चों, वाटरिंग कैन होता है पानी, जिससे हम बागीचे में पानी देते हैं वो वाटरिंग कैन होता है, ठीक है। देयर वर अ लॉट ऑफ कलरफुल बटरफ्लाइज। वहाँ पे बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ थी। सैली रैन अराउंड द गार्डन चेजिंग दैम। सैली जो है बागीचे में चारों तरफ दौड़ने लगी उनको पकड़ने के लिए। वेन ऑल द हाउस वर्क वॉज डन, मदर सेट टू सैली। जब सारा घर का काम पूरा हो गया तो माँ ने सैली से बोला, क्या कहा माँ ने? लेट अस गो एंड फीड द डक्स। चलो चलते हैं और बतखों को खाना खिलाते हैं। They took some dry bread and went to the small duck pond. उन्होंने कुछ सूखे ब्रेड के टुकड़े लिए और कहा गए छोटे से डक्स के पॉन्ड में। ये देखिए। When they were feeding the ducks, her loving mother said, "Thank you, Sally, for helping me." जब वो डक्स को खाना खिला रहे थे सैली और उसकी माँ, तो उसकी प्यारी माँ ने उससे क्या बोला? थैंक यू सैली फॉर हेल्पिंग मी। सैली, तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। सैली सेड टू हर मदर। सैली ने अपनी माँ से क्या कहा? सैली ने अपनी माँ से कहा, इट्स ओके मॉम, आई एंजॉयड हेल्पिंग यू। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपकी मदद करके मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने आपकी मदद को इंजॉय किया जब मैंने आपकी मदद की, तो इसलिए इसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने कि कैसे सैली ने अपनी माँ की हेल्प की घर के सारे छोटे मोटे कामों में, जितना उससे हो सका।
इसी तरह से हम सभी को अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए सभी हाउस होल्ड वर्क्स में, जहाँ तक हम पहुँच सके जितना पॉसिबल हो, और पढ़ाई भी साथ साथ करती रहनी चाहिए। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।